हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 मार्च। 26 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हैं आप लोग, टेलीग्राम को आपको मिलते हैं पीछे के सारे वीडियो और साथ ही आगे के नए आने वाले वीडियोज़ के पीडीएफ भी मिलते हैं। साथ ही हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन आज के 26 मार्च का। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से समर वाले, विंटर वाले नहीं, समर वाले की बात चल रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 समर वाले जो थे, ठीक है, को 2020 जो थे 21 तक स्थगित कर दिए गए हैं। 2020 में जो होने वाले थे वो 21 तक स्थगित कर दिए गए हैं, यानी 2021 में वो नहीं होने। और ये जो होने थे ना टोक्यो के, ये जापान के टोक्यो में होने थे, ठीक है, ये अब स्थगित कर दिए गए हैं, यानी कि अब कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये नहीं होंगे, अब बाद में होंगे, ये जब भी इनकी डेट फिक्स होगी। अच्छा, ये कैंसिल क्यों गए, ये सिर्फ कोरोना की वजह से कैंसिल किए गए हैं, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं था इनको कैंसिल करने का। साथ ही बात करते हैं सेकेंड की, जम्मू कश्मीर सरकार ने उपभोक्ताओं को 2 महीने का, क्या 2 महीने का अग्रिम राशन देने की घोषणा की, यानी 3 महीने का राशन मिलेगा, 2 महीने आगे के 2 महीने का राशन पहले से ही पहला दे रही है, यानी कि इस बार जो मिलेगा इन्हें 3 महीने का राशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह घोषणा की है। साथ ही गुजरात राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। आपसे पूछ ले, गुजरात में बहुत सारे नई नई चीज़ें हुई हैं गुजरात में। पंजाब में बात करेंगे तो पंजाब में सबसे पहले क्या हुआ, पंजाब में एक कर्फ्यू लगा, सबसे पहले कर्फ्यू जो लगा संपूर्ण तरीके से वो पंजाब में लगा, ठीक है। हाँ, गुजरात की बात करें, गुजरात में सबसे पहले क्या, मंत्रियों ने अपनी राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने की घोषणा कर दी है। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र के पहले दिन से शुरू होते हैं। हिंदू नववर्ष का जो हमारा, देखिए नॉर्मली आप अंग्रेजी के शब्द मानेंगे तो 1 जनवरी से आपका क्या हो जाता है, हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा जो, सॉरी, अंग्रेजी नववर्ष यानी अंग्रेजी का जो कैलेंडर है उसके अनुसार जो हमारा ईयर शुरू होता है तो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदू नंबर्स के अनुसार चैत्र का नवरात्र के पहले दिन, यदि नवरात्र के पहले दिन से शुरू होता है हमारा, ठीक है, तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पहला दिन जो होता है चैत्र का नवरात्र का, तो उसे उगाड़ी कहते हैं। और साथ ही महाराष्ट्र में जो होगा उसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, गुड़ी पड़वा, और तेलंगाना में कहते हैं, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, दोनों में एक ही चीज़ कही जाती है, उगाड़ी, ठीक है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। असम में एक घरेलू संगरोध केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। असम में क्या की गई है, घरेलू संगरोध केंद्र यानी डोमेस्टिक क्वारंटाइन सेंटर, क्या डोमेस्टिक क्वारंटाइन सेंटर, असम में एक घरेलू संगरोध केंद्र बनाया जाएगा, यह सूरज जाई स्टेडियम में बनाया जाएगा। अच्छा, क्या है, असम में एक स्टेडियम है जिसका नाम है सूरज जाई स्टेडियम, क्या नाम है, सूरज जाई स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में क्या है, एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में। आपको पता ही है कि स्टेडियम बड़ा क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें कि लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग चैम्बर बनाए जाएंगे सभी के लिए, अलग अलग एक बेड की व्यवस्था की जाएगी उसमें, जिससे कि वहाँ के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर के हैं, और इन क्वेश्चनों में आप गिनती करेंगे तो मुश्किल से 5 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को याद करना ज़्यादा भारी नहीं होगा। टोक्यो के ओलंपिक 2020-21 के तक स्थगित कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 महीने का राशन देने की पहले ही घोषणा कर दी कि 2 महीने का आगे का। और हिंदू नंबर्स की बात करेंगे तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में उगाड़ी और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। असम की बात करेंगे तो घरेलू संगरोध केंद्र यानी डोमेस्टिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे, एक स्टेडियम में, स्टेडियम का नाम सूरज जाई स्टेडियम। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन रही है, गुजरात राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों के सभी मंत्री गुजरात राज्य सरकार में सभी मंत्रियों ने के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है, राहत कोष में अपनी मुख्यमंत्री के राहत कोष में 1 माह का वेतन देने की घोषणा कर दी है। ये थे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको इस तरह से वीडियो हम देते ही रहेंगे, और आपको भी उम्मीद हमसे होगी कि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों।